बैक यो। जब खैर इतना घटिया टीम का साथ आ रहा था, किसके साथ आ रहा था? फर्स्ट टाइम से 3-2 दो बार भाई, फिर क्रिश्चियन पैलेस दो बार, चुप कर दो बार, 2-2 3-2 जीते कौन हम लोग दोबारा अभी दो क्रिश्चियन वेस्ट टाइम से दो बार आ रहा है शर्मो या दैट गेम इधर से जंप मार, इधर से जंप मार वरना ये कर अच्छा ऑप्शन है, यहां पे थूक मार वहां पे डुबकी लगा। हेलो हेलो हेलो, व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय मंजूर इस्लाम बैक विद अनदर पॉडकास्ट। एंड आज मेरे साथ मेरा को होस्ट है हमेशा की तरह मास बिन नसीर उर्फ मासी, पाकिस्तान से इस्लामाबाद रावलपिंड, रावलपिंड एग्जांपल यू नो, काम करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नहीं सॉरी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ जी, और जॉब मिला है? जीरो। नहीं तो अगर आप लोगों के पास कनेक्शन है एज यूजुअल, मुझे लगता नहीं कोई फायदा हो रहा है ये बोलने के लिए, बट फिर भी बोल देते बेचारे को जॉब दिला दो, मुझे भी जॉब दिला दो, बिकॉज मैं भी फारिग बैठा हूँ, इसलिए आजकल यूट्यूब में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा होता हूँ, बट यार क्या करे, सैड लाइफ, अपॉर्चुनिटीज आता है बट फिर भी होता नहीं है कुछ, लेकिन यू नो क्या करे, अक्सर ऐसा होता है लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलता है बट यू कैन डू दोस अप्लाई किया तुमने? अप्लाई तो काफी जगह पे किया, बट प्रॉब्लम है क्या, वही होता है ना कि एक्सपीरियंस 5-6 साल, मतलब तू फ्रेशर है और तुझे बोलते 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिर तुझे जॉब मिलेगा। नहीं, द प्रॉब्लम ये रहती है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इश्यूज विद जॉब मार्केट ओवर हियर दैट के आपको फर्स्ट ऑफ यू ग्रेजुएट लाइक अगर इफ यू गो थ्रू दिस लाइक लीनियर मोशन ऑफ यूनिवर्सिटी, पहले स्कूल फिर यूनिवर्सिटी एंड ग्रेजुएशन, राइट, इन दोनों साल में तुमने कुछ तजुर्बा नहीं उठाया किसी का, ठीक है, एंड प्लस आई थिंक ये फेज होता है कि यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी से वेरी फनी फेज, फिर लोग जब घुसते हैं ना तो फॉर एग्जाम्पल जो इंजीनियरिंग करते हैं पापा लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी। वो आता है दिमाग में कि हम लोग ने आई एम टेकिंग द राइट स्टेप, मैकेनिकल पढ़ने के बाद 2 साल बाद यार मुझे क्या जॉब मिल सकते हैं इस चीज़ में, लेकिन वो आ जाती है, काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं आगे लोगों को मिल जाती है, बट अब देख अब फनी थिंग है जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं वो लोग होते हैं यार ये नहीं करना चाहता वो नहीं करना चाहता, मैम देयर इज लॉट ऑफ रिग्रेट, मुझे लगता नहीं पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए, नहीं पेरेंट्स की फोर्स होती है ना, नहीं किसी किसी के पेरेंट्स फोर्स करते हैं, वो समझ आता है कि मेरा बेटा मैं मैकेनिक जो मेरे मैं चाहता हूँ मेरे बेटे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े, बट इजंट लाइक यू नो व्हाई वुड यू गो विद योर फैमिलीज चॉइस, लाइक आई नो इट्स हार्ड फॉर देसी फैमिली, किसी किसी का फैमिली बहुत लाइक यू नो नेक्स्ट लेवल चला एक्सट्रीमिस्ट लेवल, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली लाइक यू नो उस हिसाब से, ऑफकोर्स मेरा अबू का भी सपना कुछ और था, मेरा अबू चाहता था मैं साइंटिस्ट बनूं, जो मैं सोच मेरा भी रिएक्शन यही था, तू साइंटिस्ट मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूं फिर भाई, तू रहने दे, तू साइंटिस्ट दुनिया में बड़ा हरा हिट साइंटिस्ट तू ही होगा। द थिंग इज मैं ऐसे से चीजें क्रिएट करता था भाई, नेक्स्ट लेवल, लाइक हैंड्स डाउन फक एवरीवन, बट नहीं तो अबू का ये ख्वाब था, अम्मी चाहता था इंजीनियर बनूं, फिर मेरा भाई देवे मेरे 4 भाई है, मैं तीसरा हूँ, तो मेरा 2 बड़े भाई है, एक चाहता था मैं मरीन इंजीनियरिंग जाऊँ और एक दूसरा चाहता था मैं सिविल इंजीनियरिंग पे जाऊँ, तो इट वाज लाइक एवरीवन क्या कर रहा तू, अजीब बंदा है, चाय पी रहा तू, मेरा बॉडी में क्यों लगा रहा है, बट एनीवे अच्छा साइड ट्रैक हो गया, तो ये सीन है लाइक यू नो मेरे फैमिली ने मुझे कभी ये नहीं बोला कि तुम्हें यही करने पड़ेगा यही करने पड़ेगा, इट्स नॉट लाइक दैट, मेरा ऐसे कभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिचुएशन नहीं, हमारा सिचुएशन ऐसे बदला है ना कि मजबूरन अम्मी अब्बू को लाइक यू नो भी बदलना पड़ा, नहीं नॉट लाइक यू नो फाइनेंशियल स्टेट ऐसे था कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, फाइनेंशियल की वजह से ड्रॉप आउट हो गया, तो उसके बाद कॉमर्स में घुसा, कॉमर्स में भी घुसने के बाद फाइनेंशियल ने मार दी, फिर उसके बाद जब खुद से यूट्यूब से मास कम्युनिकेशन का सीखने चाह रहा था, तो उसके बाद जाकर बेसिकली YouTube से फोटोग्राफी सब वीडियो मेकिंग कैसे स्किल्स वगैरह सब खुद सीखा विद माय ओन थिंग, तो अब वो मम्मी के पास और कोई चांस नहीं था, बड़ा भाई वगैरह भी लाइक यू नो दे आर लाइक यू नो वो लोग भी, हम लोग ने अभी तक जितना भी हम लोग सिर्फ 12th तक पास किए लाइक तीनों भाई, सो वो एक सीन है, सो हमारा और कोई करियर का स्कोप ही नहीं हुआ, तुझे पता है एजुकेशन इज मनी, लाइक आजकल पैसा होगा तो तू लाइक यू यू गेट द डिग्री, आजकल ये भी है ना कि डिग्री होने के भी ना होने के बराबर है ना, एग्जैक्टली जिन लोगों के पास डिग्री होता है उन लोगों के पास रियल लाइफ को कुछ नॉलेज भी नहीं होता, सो आई एम हैप्पी इन अ वे कि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन बहुत ज्यादा किया,
like the things I worked on, I'm pretty sure ke main without engineering degree main kar sakta tha. इंटर्नशिप से याद है व्हाट डू यू थिंक इज इट बेटर टू डू इंटर्नशिप आफ्टर थर्ड ईयर और आफ्टर ग्रेजुएटिंग आफ्टर सेकंड ईयर व्हाई इज दैट सेकंड ईयर के बाद जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होता है यू गेट टू नो द रियलिटी ऑफ दोस टॉपिक्स तुम एक प्रैक्टिकल यूज ऑफ व्यू में देख सकते हो फर्स्ट आई मेरा सेलेक्ट मास कम्युनिकेशन उठाता है एंड आई नो दैट फॉर फैक्ट के सेकेंड ईयर में दिस लाइक ग्राफिकल डिजाइनिंग और स्टार्ट होता है मास कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है बट लेट्स से दैट वंस यू फिनिश लाइक वंस यू अबाउट टू फिनिश सेकेंड ईयर तुम जाके कोई भी कंपनी में जब तुम काम करोगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा दो सौ द बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स तुम उसी को फॉलो कर रहे होते सो इट्स इन ए गुड वे इट्स अ गुड थिंग फिर जब तुम साथ साथ तजुर्बा उठा रहे होते हो तो तुम्हें थर्ड ईयर के भी जब तुम सब्जेक्ट उठाओगे ना तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फॉर एग्जाम्पल हमारा सिस्टम होता है कि हमारे थर्ड ईयर में एक टॉपिक था कंट्रोल सिस्टम दिस लॉट ऑफ फनी स्टफ लाइक पी आई डी मार्क चोदना बहुत ज्यादा वो कौन सा कोर्स होता है आई विल लेट यू नो दैट लेटर पॉडकास्ट विद द डीप में जाएंगे पी आई डी इज फनी टॉपिक था ठीक है थिंग इज जब मैंने अब देखा मेरे भाई के दोस्त हैं यूनिवर्सिटी भी इलेक्ट में उसे बताया था कि प्रैक्टिकली वगैरह ठीक है बट द प्रॉब्लम इज ओवर हियर इज दैट कि तुम्हें लोगों को खुद से नहीं मिलेगा यू नो यू टू अप्लाई थ्रू इधर तुम्हें कम्युनिकेशन वाइज तुम्हें बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर तुम्हारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर तुम आ रहा ना खुश किस्मत ऑनलाइन से बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन से मुश्किल होता है तो इन रियलिटी ऑफ दैट इज दैट के आफ्टर सेकंड इज अ गुड इट्स लाइक अ गुड एरिया टू स्टार्ट इज इट इवन अलाउड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी यू गेट द इंटर्नशिप नहीं करने देते ना तू भी तो फोर्थ ईयर का बाद थर्ड ईयर के बाद किया था आई थिंक वही ना बिकॉज यहाँ पे अलाउड ऐसे नहीं है कि तू सेकंड ईयर में कर सकते हो व्हिच इज काइंड ऑफ स्टूपिड बहुत स्टूपिड है मैंने ये भी सुना कि एक 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 यूज का स्टूडेंट था ही दे डिडंट हैव इंटर्नशिप इन देयर कोर्स इंटर्नशिप था ही नहीं उसने बोला छुट्टियां थी उसने कहा यार मैं इंटर्नशिप कर लेता एंड देन आई गॉट टू फाइंड आउट लाइक ओके हां टू बी ऑनेस्ट यार द थिंग इज आजकल यहां पे लाइक किसी को लगता है द थिंग लाइक यू नो अबाउट लाइक अभी जो सिचुएशंस है ना कि फुल टाइम जॉब हर कोई बोलता है भाई फुल टाइम कर लो द थिंग इज वुड यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर ओके Now, would you go for something else, like as a technician, like for any job, like if you're getting a full time, would you do it? No, I would not do technician. Why would you not? ये मेरे साथ काफी दोस्तों साथ भी discussion हुआ है कि मैं technician नहीं जाऊँगा या with काफी जहाँ तक मैंने सुना है काफी जहाँ तक मैंने नोट किया technician को तो मतलब promotion नहीं होती. Technician तो वही technician level में रहते हो. हाँ एक अच्छा है कि practical view से तुम knowledge gain कर रहे हो. लेकिन after that तुम्हें वो as a technician नहीं मानेंगे. उसे ऐसे वो नहीं मानेंगे ऐसे मैकेनिक इंजीनियर नहीं मानेंगे वो तो मैं टेक्नीशियन रहने देंगे एंड मैंने काफ़ी जगह पर नोटिस किया मेरे दोस्तों से काफ़ी बात हुई है जिन्होंने बताया कि यार एक दोस्त था वो टेक्नीशियन पे था एंड वाज लाइक उसकी मैनेजमेंट ने बताया कि दो साल में तुम बन जाओगे ठीक है एंड एग्जैक्टली एट द सेकेंड डे द मैनेजमेंट चेंज वो उसे मैकेनिक इंजीनियर डिग्री पढ़ी हुई है फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी बट ही स्टिल अ टेक्नीशियन हाँ तुम उसकी सैलरी बढ़ा दो वो बढ़ा दो बट द थिंग इज जब तुम्हारे वो ऑफिशियल लेटर में आता है ना कि ऐसे टेक्नीशियन लेवल बने होते हो सो दिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड व्हाट आई मीन बाय क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इज दैट के तुम्हारे क्वेश्चंस लाइक प्रैक्टिकल व्यू इज अमेजिंग बट लेट्स से द क्लाइंट रिपोर्ट्स क्लाइंट डिस्कशन रिपोर्ट्स मीटिंग्स में कैसे डेडलाइंस वगैरह हैंडल करना यू नो ऑल दैट बुलशिट स्टफ फनी स्टफ काम करोगे सीखोगे सब कुछ करोगे पर उसके बाद क्या ओके सोच तू मजबूर है तुझे जॉब बिल्कुल नहीं मिल रहा देन आल्सो वुड यू गो फॉर मजबूरी लाइक तुझे लेजिट पैसा की जरूरत है Then I have to ask you a question. तुम मुझे चार्टर्ड पढ़ा क्या था? Cause recently हुआ है कि, so you know about the thing where I'm getting opportunities for the job, but I can't do it
because I don't have the professional gear, like as a photographer, like मेरे पास gear नहीं, but मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, and इसलिए मुझे to be honest, the thing is, मैं कभी कभी सोचता हूँ, do I even want to do, like, because the thing is, मुझे photography, I love it, I'm passionate about it, but the thing about photography is like, मुझे किसी का under काम नहीं करना, like, you know, you get the point, like, I don't want to be in someone else's shoes, because हर किसी का creative mindset different होता है. That is fine, but the thing is, तुम इसका समझो ना, like, इसका समझो. फोटोग्राफी में जैसे लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल कैटेगरी लाइव फोटोग्राफी, तो मुझसे समझो अगर तुम किसी के नेचर के काम करोगे तुम उन लोग का स्टाइल नोट पिकअप कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ, तुमने खुद बताया फैशन फोटोग्राफी है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी है, एंड देयर इज लॉट ऑफ रेस्पेक्टेबल मेंटर्स हु आर देयर डूइंग ऑल ऑफ दोस. फॉर मी इट्स लाइक वो तुम कर सकते हो, फोटोग्राफी तुम्हें पसंद है, यू ऑलरेडी हैव नेवर नहीं एक असिस्टेंट होना अच्छा है, बट इफ यू डू समथिंग फॉर अ क्लाइंट लाइक यू आर गेटिंग पेड फॉर समथिंग लाइक यू नो जैसे तेरा दोस्त ने किया जो असिस्टेंट था एक के नीचे सीख रहा था मेंटोर मानता है उसको तो वो ओके दैट्स फाइन दैट्स नॉट लाइक यू नॉट वर्किंग यू आर जस्ट लर्निंग यू आर गेटिंग द नॉलेज एंड यू आर हेल्पिंग हिम एंड यू गेटिंग हिज वे ऑफ दैट्स बेस्ट लाइक दैट यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो आप बहुत कुछ सीख सकते हो बट इंस्टेड यू बींग द मेन मैन एंड गोइंग लाइक अ फ्रीलांस फोटोग्राफर एंड डूइंग द प्रोजेक्ट फॉर समवन एल्स लाइक तू मुझे पैसा दे रहा है वेडिंग फोटोग्राफी वो फिर भी सही है बट अगर क्लाइंट रिक्वायर करता है तुझे और बट तू जैसे खींचता है क्लाइंट को पसंद नहीं आता लाइक वो स्टाइल वगैरह और कोई कोई तुझे यूज़ भी करता है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत किस्से कि द क्लाइंट विल से लाइक दिस बहुत फ्रॉडरी किस्म को होता है फ्रॉडरी फ्रॉडरी वोंट बी द राइट वर्ड मतलब तेरे टैलेंट को वो करता है मिस यूज यू गेट द पॉइंट बट द थिंग इज ये तो ये दैट्स वन ऑफ द कॉन्स ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर राइट तुम मेन चीज क्या है फ्रीलांसर का मतलब है तुम खुद अपने क्लाइंट से नहीं बात करना तो तुम ये सीधा समझो ना फिर लेट्स टेक अ बॉट दिस इन मोर डिटेल अगर तुम्हें कोई क्लाइंट बोलता भी है ही इज पेइंग यू अगर क्लाइंट ने बोला कि मैं ये करना हां वो पे अगर होगा तो ऑफ कोर्स ही इज पेइंग मी डिमांड वो ऐसे दैट्स द थिंग इज इट्स लाइक सेम इन अ वे लाइक कंपनीज में भी इस तरह ही है ठीक है So I'm not sure like इतना बड़ा इशू है प्रॉब्लम है हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि the thing is like gears नहीं that's the only problem here ऊपर से the thing is मेरा क्वेश्चन ये था कि उस दिन मैं अपना एक दोस्त के साथ बेसिकली डिबेट हो रहा था इस टॉपिक के बारे में तो उस टाइम वो हुआ ये कि वो बोल रहे हैं अप्लाई फॉर फ्रंट डेस्क वाला जॉब फुल टाइम कर मंजू लाइक यू नो पार्ट टाइम लाइक ऑफकोर्स हर किसी को पता पार्ट टाइम पूरा जिंदगी भर कोई करने नहीं चाहता नीदर मी आई डोंट वांट टू डू पार्ट टाइम बिकॉज ऑफकोर्स जिंदगी में कुछ आगे जाने के लिए भाई बिकॉज माई फादर इज अ बिजनेस मैन ऑफकोर्स आई नेवर वॉन्ट टू बी इन समवन आई वुड ऑलवेज प्रिफर अ बिजनेस रादर देन वर्किंग फॉर समवन आई बिलीव इन दैट और बट द थिंग इज वो मुझे बोल रहा था यार कि तू फ्रंट डेस्क वाला जॉब के लिए अप्लाई कर मेरे दोस्त वगैरह कर रहे 3000 वो ऐसे साउंड कर रहा था कि जॉब बहुत आसान है अबू धाबी में मिलना लाइक हर जगह पे फिर जब उसने ये बोला ना आई वाज थिंकिंग लाइक वी हैव अप्लाइड जॉब्स टन्स ऑफ ईमेल्स नो वन गिव्स अ शिट रिप्लाई नहीं करते दो दो महीना के बाद रिजेक्शन आता है लाइक इतना रिजेक्शन खा करना एट दिस पॉइंट आई एम लाइक एम आई लाइक यू नो लाइक वर्ड वो तो कभी कभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से आई नेवर फेल्ट दैट वे कि मुझे मेरा टैलेंट के बारे में पता है मेरे स्किल्स पता है सो व्हेन आई अप्लाई इफ आई गेट रिजेक्शन ओके फाइन बट एटलीस्ट गिव मी द आंसर डोंट वेस्ट 3 months ऑफ माई टाइम लाइक और मैं उसका और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये ओ मुझे नहीं मिल रहा मैं एक चीज़ में अटका नहीं होता आई एम ए बी प्लान सी सब कुछ एक तरफ से हो रहा है अगर एक मिस हो गया नो प्रॉब्लम प्लान बी जाता हूँ वैसे होता है बट द थिंग इज मेरा ये जो दोस्त बोल रहा था ना अप्लाई फॉर फ्रंट डेस्क वाला जॉब लाइक यू नो वैसे लोग मिलेंगे वो जैसे बात कर रहा है और लाइक यू नो आधा से ज्यादा बातें भी उसका लाइक यू नो यू गेट द पॉइंट लाइक हवा से थू मतलब आप बाउंसर लाइक यू नो वो वाला सी मतलब कुछ भी बोलो भाई उसके लिए जॉब मिलना आसान है फिर मैं आस्क यू वन क्वेश्चन कैन मनी बाय हैप्पीनेस यस इट डज So, is money everything? I won't say everything. It's like... Paisa hai toh khushi hai. Paisa khushi hai. I can definitely say that. But what I can say is that it's a relief factor. It's a huge relief factor. Would you be happy if you would have stable amount of money and a good life? Or would you prefer more money? Or like, you know, have a lavish life? Like, you know, like big people wala scene? I would rather have actually more of a stable life. Stable life. Not... Like, even though I'm leaning towards lavish life, but the thing I question then is like, what I'm gonna do with that money? Yeah. It's like, fine, I have so much money. What am I gonna do with? Har cheez to kar lunga, ghar bana lunga, invest kar lunga, sab kuch. But then what? At one point, you will be like, okay. Okay, what am I gonna do with this so much money? Either I will give it to charity,
You will be questioning yourself, you will be doubting yourself, you will be wondering what the fuck am I doing over here. Main kar raha kyu hoon ye wagaira. But do understand that ke agar aapke paas ek discipline hai aur ek goal hai, to aap wo achieve kar sakte hain. Yeah. But be mindful that ke the fact that you will be having this time. Yeah. Just stay motivated and committed on that thing. Be committed to your thing that you believe in. Yeah. Aur kabhi bhi believe jab karte ho na, don't be like 60, 40, be always 100%. So when you take a decision, don't take 99% decision, okay? Like 99%, 1% bhi miss mat karo ki wo guilt feeling, 1% hota na ki kaash main ye karta. Never do that. Because yeah, if you do that, look, then... life is full of regrets. Yeah. But the thing is, out of all those regrets, you need to be competing with yourself. Exactly. Aur risk lene chahiye life mein. Risk ka bagair kuch. Main jahan tak notice kiya, jahan tak you don't have competitions. Yeah. You have only one competition, and that is yourself. Yes. And that is one competition that is from you, is that what kind of a person you were yesterday. Yeah. And wo waqi mein affect karta hai mentality. If you don't want to be the person of a yesterday, then you have to work of the person that you want to be of the future. Yep. And you have to strive against that. You work karna padta hai, ghisna padta hai. You know my struggles I had to go through, all that shit. But the thing is, whenever you all go through shit, you need to understand the fact that okay, what are you going for? What are you believing in? Yeah. Okay? And my thinking has changed. He knows what kind of thinking I have changed a lot. And the thing I have to say is that in the end of the day, agar aapko apne jo bhi karna hai, dil se karo. 100% do. Aur dil commitment hai. Oh, urte ka statement dabhi gaya mere ko bhi. Wo the dil aur dil aur dimag. Haan, dil aur dimag. Dil aur dimag se do kaam. क्योंकि जब तुम दिल से देते हो, दिमाग नहीं है, तो यू आर गुड मैसेज अप. जो दिमाग है, दिल नहीं है, यू लूज इंटरेस्ट. एग्जैक्टली. सो पॉइंट ऑफ व्यू, वर्क हार्ड फॉर इट. एंड फॉर हिम, और नहीं नेगेटिव का भी बोल देना, नेगेटिव कज हम लोग ऐसे सिचुएशन, वी ऑलवेज से द गुड. अगर ये होगा, अगर बैड हुआ, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू नो. लाइक इट्स लाइक दिस, यू बैड हुआ, पैट योरसेल्फ अप एंड ट्राई इट अगेन. कोई मसला नहीं है, कुछ और ट्राई करो. लाइक जो लोग बोलते हैं, जब बंद होता है दूसरा खुलेगा. लोग बोलते हैं ना कि फेलियर इज जस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस. इट इज ट्रू टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट. एंड बट द थिंग इज, विद फेलियर कम्स डिसअपॉइंटमेंट. विद फेलियर इट कम्स मिजरी. विद फेलियर इट कम्स डिप्रेशन. इट्स ओके टू फेल. एंड द थिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई थिंक हमारे जमाने में काफी लोग हो गए जो वी जस्ट वांट टू अचीव समथिंग इन वन गो. One go मतलब without even doing any hard work. Like I've seen so many guys, कुछ भी नहीं करने चाहते, famous होने चाहता है. और मुझे ये famous का समझ नहीं आती. Like some people think, oh, बंदा YouTube कर रहा for famous, being famous and all that. मुझे मतलब कुछ नहीं करके मुझे famous होना है. Famous, you know how stupid that thing it looks like. You know जब बंदा बोलता है fame. और भाई तो जो fame कर रहा है ना भाई, जब fame आएगा ना, you guys will cry. You guys will be, नहीं भाई मुझे fame नहीं चाहिए था, मैं जैसा हूँ, I'm fine. Like these things happened like with people, those who got the fame and they are like, yeah, mujhe apna normal life acha lagta. For me, I think the biggest issue with people right now is that they don't understand what they want to be. Everyone wants to be recognized in front of everyone. From who they want to be recognized? From the people. When why they walk want to be recognized? I don't know, I'm seeing this thing, like, you know, दूसरों की खुशी, दूसरों की खुशी देख के अपनी खुशी. क्या जब इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना कोई सेलिब्रिटी को, आप भी चाहते हो कि यार इसके इतना लाइक्स आ रहा है, इतना इसका लाइक, लोग केयर कर रहे हैं, सीन में देख क्या कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली. द थिंग इज, जो सोशल मीडिया में नजर आता है ना कि ओ सेलिब्रिटी बहुत अच्छा जी रहे, लाइक्स मिल रहे, भाई हाफ ज्यादा कॉमेंट्स उसकी माँ बहन एक कर रहा होता है. 50% अगर उसका कोई प्रॉब्लम होता है, 50% बोलते जाकर मरो. काई नहीं वेस्ट कर देगा भी, वो प्रेसिडेंट बनने चला है उसको देख. I think that's the problem with the system right now. We have stopped recognizing people of importance. We have given the importance to people who just, you know, बस दिखावे में. देख ना, अभी देख, मुझे एक चीज बहुत बुरा, सुशांत सिंह का नया जो मूवी दिल बेचारा, which will be releasing on I think 24 July or something like that. तो उसके चिचोरे एक बंदी ने कंपेयर किया, चिचोरे का लाइक्स तुझे पता कितना था? 660K लाइक्स इन यूट्यूब चिचोरे के ट्रेलर में जब वो जिंदा था. ओके. और दिल बेचारा का
8 point कितना million, वो भी कितना दिनों पे, 4 या 5 दिन पे हुआ है. और द फनी फैक्टर इज दिल बेचारा रिलीज होने से पहले जब सुशांत सिंह जिंदा था तब हर किसी ने इसका मीम बनाया कि ये क्या सस्ता फॉल्ट ऑफ स्टार्स, इट्स अ रीमेक बाय द वे फॉल्ट ऑफ स्टार्स का, तो इंग्लिश जॉनर का, तो उसका मीम बना रहा था. लाइक कैन यू इमेजिन वही ऑडियंस अभी वो कर रहे हैं. लाइक यू नो द थिंग इज व्हाट आई हैव अ काउंटर आर्गुमेंट फॉर दैट इज योर होल बॉलीवुड इज अ कॉपी ऑफ हॉलीवुड. अब वो तो अलग सीन है ना, कॉपी कॉपी तो ऑफकोर्स बॉलीवुड इवन की मल्ला मूवीज को भी कॉपी करते हैं. लाइक बॉलीवुड इज अ कॉपी बट हॉलीवुड इज कॉपिंग एनीवे. लाइक व्हाट, नहीं बट द थिंग इज यू गेट माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम लाइक भाई वो जब जिंदा था यू डिडंट अप्रिशिएट, ही वाज अ गुड एक्टर, यू डिडंट अप्रिशिएट हिज वर्क, यू मेड अ मीम आउट ऑफ इट. बट वो जब मर गया आप लोग पता नहीं कितना अच्छा अच्छा निकल रहे हो. गिल्ट ट्रिपिंग नाउ, गिल्ट ट्रिप को छोड़, वो एक वो कोट है ना, दैट फ्लावर्स रिसीव dead person receive more flowers than a alive, kuch aise ek quote hai. Dead person receives more flowers than a alive person. Like same, like I'm like bhai jab zinda tha us time to aap meme bana rahe the, ab jab nahi hai tab aap uska wawa karo. Us wo wawa ka fayda hai kya, Sushant to dekh raha nahi hai, shayad upar se shayad khush hoga, bolega ha bhai mera movie kaam kar raha, acha hua hai. Like but the thing is in the end of the day aapko yahi masla aa gaya na ki who are you trying to please, kisko please karna chah rahe ho. Try to please yourself. Because in the end of the day, exactly. The thing is, देखो जब तुम एक try visualizing the fact that के you're going to go alone out of this world, right? Yep. You want to be recognized, fine. Be recognized for things you wanna be happy about. Yeah. For your own self. For example, let's say take PewDiePie. PewDiePie, उसके जो subscription जो है ना वो जो आता है आप join वगैरह. Premium membership. हाँ. That guy gives to charity. वो पूरा चैरिटी में जाता है. क्यों जाता है चैरिटी में? वो तो मेरा दिल खुश होता है मैं चैरिटी दे रहा हूं भाई. उसका 100 सब्सक्राइबर, वो ना ना मिलियन सब्सक्राइबर, वो तो आपको एकदम खुश होगा. लेकिन तो अभी वैसे वो पहले भी करता था चैरिटी, पहले सुना है मैंने, वो पहले बहुत पहले से चैरिटी कर, वो खुश रहता है उस बात में. अब नॉर्मली यूट्यूबर से जो अच्छे यूट्यूबर्स दे वांट टू गिव टू चैरिटी बिकॉज़ दे नो फॉर अ फैक्ट कि यार गाय भड़ी हुई है यार, दे दे क्या जाता है. डेविड डोब्रिक जैसे लोगन पॉल हर कोई लाइक यू नो एंड द थिंग इज आपका यू वांट टू बी हैप्पी अबाउट समथिंग. Be happy the fact that you want to be in a better place. Yep. और उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, और कोई खुशी नहीं मिल सकती है आपको. किसी और की दूसरी की खुशी देख के अपने आप से बंदा कोई खुश नहीं हो सकता. हाँ एक बंदा ये खुश हो सकता है, एक दूसरे के लिए खुश हो सकता है, अपने लिए खुश नहीं हो सकता. Exactly. So, always करना तो खुद के लिए कुछ करो. हाँ. When you start something, no, in life. And by the way, मैं बता देना चाहता हूँ यूट्यूब लाइक मैंने आई थिंक ये पहले भी बोल चुका होगा एक वीडियो में लाइक पॉडकास्ट में या कोई वीडियो पे कि आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर वगैरह लाइक यू नो लाइक नो आई लव मेकिंग वीडियोज फॉर टाइम बिंग मैं कर रहा हूँ. मुझे लगता है एक दो साल में मैं लाइक यू नो भाई यूट्यूब शूट्यूब कोई सीन नहीं होगा. आई बी समवेयर एज वर्किंग और समथिंग लाइक दैट. इट्स नॉट आई एम लाइक आई वांट टू बी अ यूट्यूबर समथिंग लाइक दैट. इट्स नथिंग लाइक दैट. आई एम जस्ट हियर फॉर अ गुड टाइम नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. सिंपल इज गोइंग टू मेक कॉन्टैक्ट फॉर यू गाइस. अगर तुम नहीं अगर कुछ भी होगा कम स्पॉन्सरशिप. आई फॉरगॉट द स्पॉन्सरशिप. द थिंग इज Taurus ka bhi hai, Aventino watches. So if you guys didn't know about, if you didn't follow me on my Instagram, your boy got 2 sponsors very long time ago, but I never promoted it in YouTube. I think I'll promote it now. If you want to buy Aventino watches, go and buy. I'll give link in the description. If you want to buy any kind of watches, you can get 15% off if you use my promo code MandrulIslam15. And Taurus wallet, they have wallet and phone case covers for iPhone 11 covers. Yeah, it's good. If you want to buy, use for my promo code. For people who are living in fucking money. Yeah. For those people. बहुत ज़्यादा पैसे आपके पास तब आप जाकर खरीद सकते हो दोनों ब्रांड जो Taurus का प्रोमो कोड है PromptOff15 जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा. All the details will be लिंक इन डिस्क्रिप्शन. So make sure to go and purchase with my promo code. तो मेरे लिए अच्छा होगा. You know? आप इसके भाई के दिल का खुद दिल खुश कर रहे हैं आपने खरीदा. हाँ. So please buy something. Go watch it. Sponsorship ad. हुया. इसे पता क्या रहता है? UFC. Oh damn! UFC boy, UFC is back. I mean UFC तो पहले से ही है. पहला चीज तो मैं बता देता हूँ UFC का उस्मान versus Masvidal. Who are you rooting for? उस्मान को सपोर्ट कर. निकल यहाँ से तू. उस्मान को सपोर्ट कर रहे हैं. मैं मास विदा द गैंगस्टर द बड़ास ऊ द गैंगस्टर ऊ क्या भाई जीतेगा? मास विदा जीतेगा. कौन सा राउंड का तू बोल रहा है? प्रेडिक्शन आई डोंट नो राउंड 3 राउंड 2 राउंड 3 आई थिंक हार्डली
उस्मान भी बहुत अच्छा प्लेयर है, राउंड 2 राउंड 3 मुझे लगता है 5 राउंड तक जा सकता है, डिपेंड करता है अगर अगर मुझे लगता नहीं ग्राउंड गेम होगा इसमें, आई थिंक स्ट्राइकिंग ही होगा, दोनों बेस्ट स्ट्राइकिंग है, नहीं उस्मान का रेसलिंग गेम बहुत स्ट्रांग है, जो नॉकआउट था ना अर्ली नॉकआउट, उसके बाद मास्विदाल वाज लाइक ही आफ्टर दैट ही गॉट द नेम ऑफ द बैड एस लाइक इन अर्ली नॉकआउट, उसके बाद उसने आई थिंक इसको डैरन को हराया था उससे पहले, फिर एस्क्रिन, फिर नेट डियाज, वो जो BMF टाइटल मिला था, तो उसके बाद मास्विदाल का वो चीज हो गया, बट ही इज अ वेरी गुड फाइटर, बट ही लूज रिसेंटली, नो ही डिडंट लूज, वो कंटीन्यूअस विन पे उस इवन की उस्मान जो है वो 11 हो है, वो एक हारा था, वो पहले पता नहीं कहां पहले था, वो पहले हारा बहुत पहले, हां अब वो यूसी का नहीं हारा तो वो सीन है, और दूसरा व्हाट अबाउट द सेकंड मैच मैक्स हॉलोवे वर्सेस वो जो उसका पता नहीं उसका नाम क्या है, बहुत हार्ड है, मुश्किल है, बी से स्टार्ट होता है, ब्रुस्कुलर होता है, आई डोंट नो उसके नाम क्या है, तू किसको सपोर्ट कर रहा है, बस किसी ने बताया, आई थिंक मैक्स हॉलोवे, आई थिंक बस फर्स्ट वाला, आई एम नॉट अ ट्रू फैन ऑफ वोल्सनोस्की या कुछ ऐसा नाम है उसका, बहुत मुश्किल है, मैं भूल गया उसके नाम, वो फर्स्ट जीता, मुझे लगता है इस बार मैक्स हॉलोवे शायद जीत सकता है, आई फील, चलो अच्छी बात, इफ ही विन देन, और लास्ट मैच क्या, होजे एल्डो वर्सेस योन, योन है उसके नाम क्या, वो भी रशियन है, वो भी 6-0 है, 6-0 है, यौन मुझे भी लगता है यौन जीतेगा, यौन डेफिनेटली, यौन उसे आल्डो का है, द गाय इज लाइक फकिंग आर, बट वो भी आल्डो भी बहुत आला है, बहुत आला प्लेयर है, अब तो बट वो जो दूसरा डस्टिन पोरियर का तो बात ही नहीं किया, द डायमंड, ओ यार डैन हुकर के साथ यार जो मैच था, पा पा लाइक लेजिट, बहुत चिकना मैच था, बहुत चिकना, मुझे लाइक लिटरली होता ना असली वो स्ट्रीट फाइट, लाइक यू नो एक मारा इंडियन मूवीज की तरह, ये मारा फिर ये मारा, ये मारा ये मारा, बहुत अच्छा मैच था, बहुत चिकनी मैच था, आई लव्ड इट, बट अभी कंपटीशन होगा हु विल डस्टिन पोरियर फाइट नेक्स्ट, ओ बाय द वे नेट डियाज, कॉनर मैकग्रेगर, बट डिडंट कॉनर मैकग्रेगर रिटायर, सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर, द किंग इज बैक, वैसे ही होता भाई, थी वाला टाइम मैकर का, द थिंग कॉनर मैकग्रेगर इज वेरी, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही इज ऑल अबाउट द बिजनेस, ओके, वो जितना मैंने उसको फॉलो किया है लाइक यू नो जब से फर्स्ट टाइम, मुझे पहला पता भी नहीं था कॉनर मैकग्रेगर कौन था, 4 साल पहले जब वो मेरे एक दोस्त उसने इंट्रोड्यूस किया था कॉनर मैकग्रेगर, उसने इंस्टा पे जब पोस्ट किया, मैं कॉनर मैकग्रेगर देख कर ही मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस पर्सनालिटी द वे ही ऐसा करता ना द वे ही डज इट, मुझे उसका स्टाइल बहुत अच्छा लगा, सो आई स्टार्ट फॉलोइंग द हबीब द लाइक हैपेंस हैपेंस वो भी बहुत चीज, नो नो इट्स लाइक happens like you know you can taste lose like you know you can taste a loss like you know hamesha tu jeetega nahi mohammed ali bhi hara hua hai like what the fuck like doesn't make but sense he bounce back yeah conor mcgregor bounce back cerrone ke sath shit you ass of baby ke sath nahi na to mohammed ali bhi ek baar jiske sath aa raha wo mike tyson ne badla liya tha i think mike tyson ne liya tha to wahi scene hai so stuart ki bhai dekh हमें UFC का पूरा इनसाइड स्टोरी नहीं पता, बहुत कुछ हो सकता है, बिकॉज वो बेस्ट फाइट पेपर व्यू उसका हाइएस्ट था, ओके वो कॉनर मैकग्रेगर बिजनेस मैग्नेट है, वी नीड टू वो सुनता है, गिव आवर कंडोलेंसेस टू खबीब्स फैमिली, ओह या आई रियली फॉरगॉट अबाउट इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, खबीब्स फादर पास्ड अवे आई थिंक 2-3 डेज अगो, नहीं नहीं हफ्ता हो गया, मैं पॉडकास्ट बनाया नहीं तो भूल गया सॉरी, बट या इट्स इट वाज अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू खबीब, ही वाज अ ह्यूज इंस्पिरेशन, लेजेंडरी था उसका, बट ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज्ड बाय द गाइस एक्सेंट ऑफ लाइक हिज इंग्लिश टू स्पीक इज लाइक वाओ, और यार वो एक वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, इंस्पायर्ड टू बी लाइक आई इंस्पायर्ड टू हैव लाइक इंग्लिश एक्सेंट लाइक हिम, जो उसका एक बहुत अच्छा वीडियो था मैंने इंस्टा पे शेयर किया था, उसका अब्बू ने कॉनर को इनवाइट किया आफ्टर डिस्पाइट ऑफ कॉनर बीइंग लाइक दिस बिच, बट द थिंग इज या कॉनर मैकग्रेगर इज अ ट्रैश टॉकर, बट उसने कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेकर गया था उस टाइम, सबको पता था एज अ फैन, ही डिड अपोलोजाइज, नो आई डोंट थिंक सो, कॉनर मैकग्रेगर नेवर अपोलोजाइज, बट वो कॉनर मैकग्रेगर इज लाइक यू नो वो ट्रैश टॉक हर किसी का करता है, बट खबीब के साथ कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गया, वो जो एज अ फैन आल्सो वी आल्सो वाज लाइक व्हाट द फक, वी डिडंट अप्रिशिएट इट ऑफ कोर्स, एंड ही आल्सो नॉक्ड आउट एन ओल्ड मैन, या दैट इन द बार जैसे माइक पेरी ने भी किया था, वो कल ही किया था, बट द थिंग इज या देख उसका जो अब्बा ने वो शेयर किया था ना, वो इंटरव्यू ने पूछा he invited Conor over the home despite of Conor being an asshole like that, bolte no like usko wo jo hum log sochte hain mere jaise soche ki aap jitna bhi banda aapke sath bura aap hamesha acha hi raho usko wo karo allah aapko wo karega so simple as that, he was a great man, rest in peace, rest in peace, that's one thing
Hopefully Khabib is able to go. But Khabib ka dream, uska book dream tha 30 over tak uska. Aur last fight George Pierre ke saath. Did he die through COVID? Thankfully, complications. Uska dream, I hope pura ho. Last fight George Peter ke saath karne cha raha hai. Hopefully Khabib last game will be 30-0. And yeah, 30-0. I really right now he's like 27-0, right? Yeah, 27 yeah. 27-0. I respect the thing. Like bhale jo bhi hai Conor McGregor hara hai, but yeah, it happens, sports mein haar jeet ho rahe hota hai. And the best player won, simple as that. And finally we have football. Yo, Liverpool like, won! Yeah, Chelsea winning back, yo! Chapkar, इतना घटिया टीम का साथ आ रहा था, किसके साथ आ रहा था? First time से 3-2. दो बार. भाई फिर Crystal Palace दो बार, चुपकर, दो बार. Crystal Palace 3-2 जीते. कौन? हम लोग दोबारा भी आ रहे हैं. तो Crystal Palace time से दो बार आ रहा है, शर्मों से. Yeah, that game was fucking nervous. इधर से jump मार, वरना ये कर, अच्छा option है, यहाँ पे थूक मार, वहाँ पे डुबकी लगा. चेल्सी का बात कहते हैं बार्सिलोना यार क्या हो रहा है क्या बार्सिलोना मेसी के साथ क्या हो रहा है मेसी वांट्स टू लीव बार्सिलोना आर यू फकिंग किडिंग मी लाइक मेसी होप ही लीव्स आई नो आई डोंट व्हाट द हेक आई वांट टू मुझे लगता नहीं वो निकलेगा बिकॉज़ ही प्रॉमिस्ड दैट ही इज गोना आई सी हिम प्ले विद यूवे चुप कर यूवे लाइक वो उसने प्रॉमिस किया वो बार्सिलोना पे ही रिटायर होगा इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग व्हाट ही कैन डू इज लाइक ही प्ले फॉर वन सीजन यू एंड गो बैक द थिंग इज देख द थिंग इज आई वांट द प्रेसिडेंट इज द गोल्डन बॉय मैं प्रेसिडेंट को चेंज करने जाता हूं लिटरली प्रेसिडेंट की वजह से भाई कुतिनो का तरह टैलेंट गया ड्यूड ही दिस होल्ड ऑफ आर्थर ओ माय गॉड या व्हाट द फक द थिंग इज आई थिंक दे हैव सम इश्यूज विद ब्राजीलियन आर्थर मैलकम कुतिनो लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू बार्सिलोना आर यू फकिंग गुड ब्रो लेकिन इतना चिकना चिकना मैलकम को तो पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया इन लोगों ने मैं खेला भी नहीं गया बेचारा को रोमा खरीदने वाला था रोमा को नहीं देखा आपने और आपने वो कर दिया लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू और फिर से सावी भी आना चाहता है जो कोच और सीटीएन मुझे लगता है निकल जाएगा नेक्स्ट सीजन तक आई होप नो आई होप बिकॉज तुझे पता मेसी उसके साथ कुछ बन रहा भी नहीं आई फकिंग हेट बार्सिलोना डिफेंस आई मीन पीके इज ग्रोइंग ओल्ड कम ऑन लॉन्ग लेज इज डूइंग गुड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के तीनों घटे की घटिया प्लेयर्स Okay, what about Pjanic? Like, वो बुड्ढा है. Author, come on. Why would you sell a good? Why would you say a young guy for a 30-year-old Pjanic? What the fuck? I mean, he's a good player. I'm not saying he's a bad player. Yeah, but he's slow. वो ज़्यादा देर तक नहीं सकता. And why is Sergio Busquets still playing? Yeah. Dude, I've seen you since FIFA 15. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब बचपन से बड़ा हो रहा था ना छोटा 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 तब से बुस्केट की शक्ल लेकर बुस्केट पी क्या लाइक और अल्बा ओके कम ऑन अल्बा इज अ वेरी गुड प्लेयर लेकिन यार कब से यार बट एक्चुअली सोचिए बुस्केट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द गेम नो नो मोर वी डोंट नीड यू बट हां चेंज करने के राइट नाउ द होल गेम इज फास्ट नो साइड गेम फास्ट खेल cuz यंगस्टर्स आ रहे हैं हर कोई उस्मान देबेले तो पता नहीं कहाँ गायब है बट कुतिनो आने वाला है उसका लोन खत्म हो रहा है ना तो वो आने वाला वापस आई होप ही कम्स बैक एंड ही एंड व्हाट हैपेंड टू ग्रीज़मैन व्हाई डिड यू बाय ग्रीज़मैन या व्हाई द फक वुड यू बाय ग्रीज़मैन अच्छा नेमार को खरीद लेते यार नो फक नेमार टू नहीं नेमार अच्छा होता फक नेमार इज अ सिसी बिच नहीं नहीं इज अ सिसी बिच सिसी बिच नहीं है ये सिसी सिस्टर You know for that sentence was like what the fuck. You know that for a fact he does. Nahi yaar what the fuck on media pe kitna news aayega matlab ye nahi to sach hai like what the heck. It's always crazy that he has an injury on his sister. Nahi pagal hai wo nahi hai but the thing is dekh Griezmann aaya Dembele aaya aur kaun naya dusra tha jo attacker position pe aaya tha dusra kaun hai teen player hai we have Dembele we have Messi we have Suarez then we have Griezmann कल एक मैंने पोस्ट देखा तीन नया प्लेयर को लिया उन लोग ने 250 मैचेस खेला और गोल्स 50 ओनली असिस्ट 18 तीनों प्लेयर मिलकर नेमार 130 मैचेस 155 गोल्स 99 या 98 टू बी प्रिसाइज असिस्ट बार्सिलोना के सीजन पे कैन यू इमेजिन नेमार इज अ फकिंग गॉडडैम गॉड नो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट पीके उसको टीम भी क्या थी अबे चल है नेमार का भाई पीएसजी के लिए देखो कैसे परफॉर्म कर रहा है पीएसजी मैं बायस नहीं हूं फार्मर्स लीग मैं बायस फार्मर्स लीग हां वो है फार्मर्स लीग जो भी है फार्मर्स लीग ओके फक यू इट्स अ फार्मर्स लीग ओके ओके बट द थिंग इज जो भी बोल नेमार इज अ फकिंग गुड प्लेयर नॉट बीइंग ही इज माय बेस्ट प्लेयर आई एम नॉट बीइंग बायस ही इज अ गुड प्लेयर बट आई विल नॉट गिव द फकिंग आफ्टर मेसी रोनाल्डो I can come. No, no. I will say Lewandowski. Lewandowski. अबे चले Lewandowski का सिर्फ लंबा है और हेड मारता है और शूटिंग अच्छा है. Lewandowski attacking. Dribbling कहाँ पर है? Skills कहाँ पर है? Fuck the break. क्या? उसके attacking से इतना अच्छा है. केड़ी है क्या attacking से? Dude, जलील करता है. क्या?
Bitch, I'm a Barcelona supporter, you motherfucker. हाँ तो तू Barcelona के supporter को तू podcast में hate कर रहा है. हाँ hate कर रहा. What the fuck are they doing? No, you should never hate. You have Messi and you're messing up the whole fucking features. What the fuck? वो तो perform कर रहा है but अभी the thing is मैं बोल रहा हूँ president को change कर सब कुछ सही होगा. Savi को लाओ. No, Savi fuck everything. अच्छा fuck everything. Get yourself a new defense. Get yourself a new midfielders. Fuck Payet. Get fuck. Yourself a new get yourself new young players, not yeah, old putter players. Fucking hell, man, क्या कर रहे हैं? But yeah, you should still support Barcelona. Viscal Barcelona, Barcelona, Espanyol. Viva Barça, ठीक है? Viscal बोलते हैं. Viva. Viscal Bar. Viva भी एक होता है, दूसरा भी होता है. Viscal का पता नहीं क्या होता, but anyways, रुक जा. हम लोग थोड़ी ना Spanish हैं. But anyways, we are ending our podcast here. That's the podcast or sunset right भी हो गया. Right now we have to go somewhere, have fun. We have to go somewhere. You should chill and we'll this we'll thing. We'll be having a lot so of fun. So I'll catch you guys in we'll the next clubbing. Podcast. Clubbing क्या? शक्ल देख. क्लब के अंदर घुसे के चपेट मार के बोलेगा निकल बाउंसर बोलेगा आईडी कार्ड दिखा बच्चे 23 साल का नहीं है उधर रिजेक्ट कर देते बच्चा कुछ ज्यादा ही पतंग उड़वा रहा है नो अभी तक पढ़नी हो गई बात क्या बोल क्या कब कब बता ना सोचते थे ऐसे ओजे के सामने क्या ओजे के सामने अच्छा एनीवेज That's pretty much it for the podcast. Hopefully you guys like it and we'll catch you guys in the next podcast. Hasta la vista, baby. Bye-bye. Bye-bye.